Hey Marshmallows, उम्मीद है कि आपको इस मूवी का पार्ट वन अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में मैं 20th सेंचुरी गर्ल की एक्सप्लेनेशन के पार्ट टू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस मूवी का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके पहले उसे देख लेना। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बोरा के दिल में सुहो के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ गई थी और इसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स घूमने के लिए ट्रिप पे आए थे। वहाँ ये लड़कियाँ रात को चुपचाप ड्रिंक करने का प्लान बनाती हैं और टीचर के वहाँ से जाते ही सारी लड़कियाँ बहुत सारा ड्रिंक करती हैं, मगर उनकी बियर की बॉटल्स को कुछ लड़के ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। फिर बोरा उन बॉटल्स को वापस लेने के लिए कमरे से बाहर जाती है, मगर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए जब वो गलती से सुहो के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जब सुहो उस दरवाजे को खोलता है तभी अचानक टीचर उनके फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए सुहो और बोरा वहाँ से भाग कर बेसमेंट में छुप जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि बोरा नशे की हालत में सुहो को अपने दिल की बात बताकर उसे किस कर देती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स बीच पे जाते हैं और वहाँ बोरा जब सुहो को गौर से देख रही होती है तो मिन्हो भी उसे देख लेता है। ये देखकर मिन्हो को रियलाइज होता है कि बोरा सुहो को पसंद करती है और इन्हें एक साथ देखकर मिन्हो को जेलस फील हो रहा होता है। इसके बाद ये तीनों इस बीच में एक साथ फोटो क्लिक करते हैं, जिसे बोरा यूना को भी भेजती है। दोस्तों, अगले सीन में जब बोरा अपनी शॉप में आराम कर रही थी तभी वहाँ सुहो आकर उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी शॉप के सामने वाले आइसक्रीम स्टोर में काम मिल गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और तभी से ये दोनों फ्री टाइम में एक दूसरे को देखा करते थे। जब रात को सुहो बोरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है तो इनके बीच हो रही बातों में सुहो अपनी फैमिली का जिक्र करता है। जब से उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था तब से वो बताता है कि उसका छोटा भाई उसकी मोम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है। इसके बाद सुहो बोरा को अपना पुराना घर दिखाने ले जाता है और वहाँ पेड़ पे लगे फ्रूट्स को देखकर बोरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुहो बोरा के साथ बेंच पे बैठकर उसकी रिकॉर्डिंग करता है। इसी बीच जैसे ही सुहो बोरा को किस करने की कोशिश करता है तभी अचानक एक फ्रूट टूटकर बोरा के साइड पे गिर जाता है, जिसे देखकर सुहो अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। इसके बाद जब सुहो बोरा को वापस छोड़ने जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को किस करके डेट करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में बोरा घर वापस आकर यूना को भी बताती है। अगले दिन जब बोरा सुहो से मिलने आइसक्रीम स्टोर जा रही होती है तो रास्ते में मिन्हो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके साथ स्टोर जाकर आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, मगर जब मिन्हो बोरा के मुंह पे लगी आइसक्रीम को साफ करने की कोशिश करता है तो सुहो उसे ऐसा करने से रोक देता है। और तभी स्टोर के बाहर बोरा की बेस्ट फ्रेंड यूना की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, यूना अमेरिका से वापस आ जाती है। उसे देखते ही बोरा जोर से उसे हग कर लेती है और ये कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनों की तरह इमोशनल होकर रोने लगती है। बोरा सुहो और मिन्हो को भी यूना के बारे में बताती है, जो कि अपनी सर्जरी करवा कर वापस आई थी। दोस्तों, उस वक्त यूना वहाँ अपने क्रश को देखकर काफी खुश थी और घर वापस आने के बाद बोरा यूना को भी बताती है कि उसे भी एक लड़के से प्यार हो गया है और जैसा यूना को मिन्हो के लिए लगता था अब उसे वैसा ही उस लड़के के लिए फील होता है। मगर दोस्तों, जवाब में यूना जो कहती है वो सुनने के बाद बोरा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। दरअसल यूना उनकी फोटोग्राफ दिखाकर उसे बताती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस लड़के को उस दिन यूना ने टेलर शॉप पे देखा था वो मिन्हो नहीं बल्कि सुहो था। दोस्तों, उस दिन सुहो ने मिन्हो का यूनिफॉर्म इसलिए पहन रखा था क्योंकि उसने भी स्कूल में नया एडमिशन लिया था। उसे सुनने के बाद बोरा उसे अपने और सुहो के बारे में कुछ बताती ही नहीं है, बल्कि वो तो काफी मुश्किल से अपनी दोस्ती के खातिर सुहो को बुलाने का फैसला करती है। उस रात के बाद से बोरा सुहो को इग्नोर करने की कोशिश करती है। जब सुहो बोरा के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है तो वहाँ भी वो एन मौके पे अपनी जगह काम का बहाना बनाकर यूना को भेज देती है। जब बोरा सुहो को फोन करके अपना रिलेशनशिप खत्म करने की बात करने ही वाली थी तभी सुहो उसके घर आ जाता है और फिर ये दोनों एक बेंच पे बैठकर बात करते हैं।
जब सुहो उससे पूछता है कि बोरा तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और बेहतर है कि हम इस रिलेशनशिप को यही खत्म कर दें। इतना कहकर ही बोरा वहाँ से चली जाती है और बारिश भी होने लगती है। बेंच पे बैठे सुहो का दिल टूट जाता है और वापस जाते वक्त उसके हाथ से वो एनवेलप भी गिर जाता है जिसमें उसने अपनी और बोरा की सभी यादों को संभाल रखा था। दोस्तों, सुहो तो यहाँ पर उसे ये बताने आया था कि वो कुछ दिन बाद न्यूजीलैंड जाने वाला था, मगर वो चाहता था कि उसके और बोरा के बीच उतना ही प्यार बना रहे जितना कि पहले था जब वो दोनों बातें किया करते थे। बेचारे सुहो को तो बोरा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मगर उसे लगता था कि बोरा मीनू को पसंद करती है। मगर जब उसने कुछ वक्त बोरा के साथ बिताया तो वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर अफसोस कि उसकी खुशियां बोरा के इस फैसले से खत्म हो गई। अब बोरा बस कैसे भी करके यूना और सुहो को एक साथ खुश देखना चाहती थी, इसलिए बोरा जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा वक्त मिनू के साथ बिताने लगती है। अगले दिन ये चारों मिलकर एक साथ एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ भी बोरा सुहो को इग्नोर करके मिनू के साथ राइड्स पे बैठती है, मगर सुहो की नजर तो सिर्फ बोरा पे ही थी। फाइनली वो रोलर कोस्टर राइड पे बोरा के बगल में बैठ जाता है। इसी बीच मीनो यूना को बातों बातों में बता देता है कि सुहो और बोरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी ये बातें सुन के यूना शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही बोरा ने उसे बताया था। रात को यूना बोरा से इस बात पर लड़ने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, और जवाब में बोरा उसे समझाकर कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मीनू से नहीं बल्कि सुहो से प्यार करती हो। वो कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे और सुहो के बीच कभी नहीं आऊंगी, जबकि उसकी तो इसमें गलती ही नहीं थी। बोरा को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोते रोते घर चली जाती है, मगर उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके छोटे भाई को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। बोरा भी अपने छोटे भाई के साथ हॉस्पिटल जाती है। दूसरी ओर सुहो आखिरी बार बोरा को गुड बाय कहने के लिए उसके मूवी स्टोर के बाहर खड़ा होकर पूरी रात उसका इंतजार करता रह जाता है, मगर उसे पता ही नहीं था कि बोरा तो हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ थी। वो देर रात को अपने घर वापस लौट जाता है। रात भर सोचने के बाद यूना की नाराजगी खत्म हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि इस सब में बेचारी बोरा की तो कोई गलती थी ही नहीं, बल्कि उसने तो अपने दोस्ती के लिए अपने प्यार को भी भूलने का फैसला ले लिया था। अगले दिन यूना सुबह सुबह सुहो से बात करके उसे बताती है कि वो और बोरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके दोस्त का दिल टूटे। इसके बाद जब बोरा स्कूल आती है तो यूना भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सुहो और बोरा के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उन्हें खुश देखना चाहती है। यूना बोरा को बताती है कि सुहो थोड़ी ही देर में कोरिया से दूर न्यूजीलैंड जाने वाला था। वो बोरा को कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें सुहो को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, और ये जानने के बाद बोरा बिना वक्त गवाए मीनो की बाइक में बैठकर सुहो के पास जाती है जहाँ वो सुहो को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सुहो बस अपनी ट्रेन लेने ही वाला था और तभी बोरा जाकर रोते रोते सुहो को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कल पूरी रात मैं हॉस्पिटल में अपने छोटे भाई के साथ थी। सुहो भी उसे अपने दिल की बात बताकर हक कर लेता है। वो उसे चुप कराकर बताता है मैं न्यूजीलैंड से जल्द ही लौट आऊंगा और फिर हम साथ रहकर लाइफ स्पेंड करेंगे, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में एंटर करने के बाद सुहो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। इसके बाद अगले कुछ दिन बोरा और सुहो एक दूसरे से मैसेज पे बात किया करते थे और बोरा भी काफी खुश थी, मगर अचानक एक दिन बोरा को सुहो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है और मैसेजेस भी करती है, मगर उसके एक भी मैसेज का जवाब उसे नहीं मिलता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बोरा सुहो से कांटेक्ट करने के लिए कभी फोन बूथ तो कभी घर से उसका नंबर डायल करती थी, पर कोई उसका कॉल नहीं उठाता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब बोरा कॉलेज में यूना के साथ ही पढ़ती थी। उसकी दोस्त उसे अपने पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती है, मगर वहाँ भी बोरा को जब पता चलता है कि उसके
ब्लाइंड डेट जिस लड़के के साथ थी उसका नाम भी सुहो था, ये जान के उसे फिर से सुहो की याद आने लगती है और वो रो पड़ती है। ऐसे ही सुहो की याद में कई साल बीत जाते हैं और हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां बोरा उसी कैसेट को देख रही थी जो विदेश से उसके लिए आई थी। दोस्तों पता है उस पार्सल में वही कैसेट थी जो स्कूल के दिनों में सुहो ने उससे मंगवाई थी। पार्सल में एक एग्जीबिशन का इनविटेशन भी था जिसे अटेंड करने के लिए बोरा न्यूजीलैंड जाती है, जहाँ जाकर बोरा की मुलाकात सुहो के उसी छोटे भाई से होती है जिसके बारे में बहुत सालों पहले सुहो ने उसे बताया था। सुहो का भाई से बताता है कि वो पार्सल मैंने तुम्हें भेजा था। और एग्जीबिशन के दौरान जब सुहो की रिकॉर्डिंग्स प्ले होती है तो उसमें स्कूल के दिनों में बोरा के साथ बिताई कई यादें भी थे। कुछ देर बाद सुहो का भाई बोरा को बताता है कि सुहो जब से न्यूजीलैंड आया था तब से वो बस कोरिया वापस जाने की बात करता रहता था, मगर बदकिस्मती से सुहो कभी वापस इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि सुहो अब उनके बीच नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर बोरा के साथ साथ मेरे भी आंसू निकल पड़े थे। बोरा को ये बात जानकर बहुत दर्द महसूस होता है और उसे अंदर ही अंदर ये सोचकर भी बुरा लग रहा था कि वो सुहो को गलत समझ रही थी, मगर इसमें सुहो की तो कोई गलती है ही नहीं। वो तो बोरा से उतना ही प्यार करता था जितना कि बोरा उससे करती थी। बोरा अपने घर जाकर सुहो की रिकॉर्डिंग्स को प्ले करती है जिसमें वो खुद को ही देखकर इमोशनल हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में जब सुहो का छोटा भाई उसे न्यूजीलैंड पर रहने के लिए कह रहा होता है तो हम देखते हैं सुहो अपने भाई को बोरा के बारे में बताता है। ये देखकर बोरा दिल से खुश होती है क्योंकि शायद उसने भी नहीं सोचा था कि सुहो उससे इतना प्यार करता था। दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि हमारा साथ इसी तरह आगे भी बना रहे। तब तक के लिए बाय बाय।